टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg आर केप्ट ऑन द टेबल एज शोन. द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2. तो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कोफिशियंट 0.2 है और बिटवीन बी एंड टेबल सर्फेस भी 0.2 है. तो मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक बी. तो क्वेश्चन में बोल दिया है लास्ट लाइन में कि ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक बी, मतलब दोनों एक साथ चल रहे होंगे. ठीक है, एक साथ चल रहे होंगे तो सिस्टम ले सकते हैं. एंड अगर इस पूरे को सिस्टम ले तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, एफ इस तरफ लग रहा है और इस तरफ क्या लगेगा, टेबल के कारण फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यू टू टेबल. ठीक है, और वो मैक्सिमम ही लगेगा ऑफकोर्स, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. मतलब मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि चल रहा है इस तरफ एक्सेलरेशन से, है ना, पूरा सिस्टम. तो इसके ऊपर सिस्टम पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एफ माइनस फ्रिक्शन बाय टेबल इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम विच इज 3 + 1 = 4 इंटू एक्सेलरेशन, इतना आया. ठीक है, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन बाय टेबल जो है काइनेटिक होगा, है ना, क्योंकि ये चल रहा आगे बढ़ रहा है ना. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो हमें पता है, म्यू टाइम्स म्यू के, म्यू के और म्यू एस सेम होगा क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो म्यू इंटू नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल कितना लग रहा होगा इस सिस्टम पे बाय टेबल, इस पूरे सिस्टम का वेट के बराबर, विच इज 4 kg, 4g. ठीक है, तो एफ का वैल्यू वही म्यू इंटू एन कर दिए, यहाँ पे नॉर्मल जो टेबल लगा रहा होगा सिस्टम पे दैट इज इक्वल टू 4g. ठीक है, इट्स इक्वल टू 4a. तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कितना, 8. तो f इज इक्वल टू 4a + 8. ठीक है, इतना आया. अब अगर क्वेश्चन पढ़ो तो आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, तो इक्वेशन तो हमें मिल गया, इसको दिख रहा है हमें कि f को मैक्सिमाइज करने के लिए a को मैक्सिमाइज करना होगा. अब क्या आप a का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो? नहीं, a का मैक्सिमम वैल्यू ही पुट करना होगा. क्या a का मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है? क्या कुछ भी हो सकता है, मतलब a का मैक्सिमम वैल्यू कितना भी ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एक कंडीशन है अपने पास कि a और b एक साथ चल रहे हो, a डज नॉट स्लिप ऑन b, a डज नॉट स्लाइड ओवर b. ठीक है ना, तो अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो सिस्टम ज़्यादा एक्सेलेट करेगा, लेकिन क्या पता a और b के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगे. मतलब आप f को बढ़ाओगे तो याद रखना आप b को खींच रहे हो. ठीक है ना, वो तो b a को साथ में लेते जा रहा है फ्रिक्शन के कारण. ठीक है, लेकिन अगर आप b को बहुत कसकर खींच दोगे तो a साथ में नहीं जा पाएगा, ये पीछे रह जाएगा. ठीक है ना, तो a का एक्सेलेशन का एक अपर लिमिट है, और अगर इन दोनों को एक साथ चलाना है तब b का भी एक्सेलेशन उस अपर लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, मान लो a का मैक्सिमम एक्सेलेशन 10 हो सकता है, मान लो इस केस में, तो b का भी एक्सेलेशन हम लोग को 10 देना पड़ेगा, तब दोनों एक साथ चल सकते हैं. क्योंकि अगर आप b को 12 से चलाओगे और a का मैक्सिमम 10 एक्सेलेशन 10 हो सकता है, तो b 12 से चलेगा, a 10 से चलेगा, तो इनके बीच में स्लिपिंग हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं चाहिए कि इनके बीच में स्लिपिंग हो. ठीक है, तो जो a का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेशन है वही हम लोग b के लिए डालेंगे ताकि स्लिपिंग ना हो, है ना. वैसे बोलना जाए तो b के लिए कितना भी एक्सेलेशन हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एफ को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बी चलेगा, लेकिन ये कंडीशन के कारण स्लाइड नहीं करवाना है तो हम लोग एफ को बढ़ा नहीं सकते हमेशा के लिए. ठीक है, मतलब एफ का वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज इन दोनों में स्लिपिंग होने लगे, है ना. तो अब ए पे एक कंडीशन रिस्ट्रिक्शन है, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अलग से. ठीक है, अगर आप ए को देखोगे तो ए पे याद रखना आप बी को इस तरफ खींच रहे हो. ठीक है ना, तो ए के रिस्पेक्ट में बी राइट जा रहा है, तो ए बी पे फ्रिक्शन लेफ्ट लगाएगा, और क्योंकि ए बी पे फ्रिक्शन लेफ्ट लगा रहा है तो बी ए पे फ्रिक्शन राइट लगाएगा, तो फ्रिक्शन ए पे राइट की तरफ लगेगा. ठीक है, ये फ्रिक्शन टेबल जो लगा रहा तो बी पे लगा रहा था, वो तो सिस्टम जब लिए थे इसको तब देख रहे थे, अभी सिर्फ ए को देख रहे. ए पे टेबल फ्रिक्शन लगा सकते, ए पे सिर्फ बी फ्रिक्शन लगा सकते. ठीक है, बस ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ यही फोर्स है, और वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल N1 नाम देते और mg. ए का मास कितना था, 1 था ना 1. ठीक है, तो ए का एक्सेलेशन तो हम लोग यही मानेंगे, जो सिस्टम का एक्सेलेशन वही ए का एक्सेलेशन है, तभी ना स्लाइडिंग नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, तो एफ इक्वल टू मास ऑफ ए विच इज 1 इंटू ए, और वर्टिकल डायरेक्शन में इतना. ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू इतना आ गया. अब आपको ए को मैक्सिमाइज करना है, तो यहीं से आपको दिख रहा है ए का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू टाइम्स एन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू जी. ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करो म्यू जी. ठीक है, म्यू का वैल्यू क्या है ए और बी के बीच का, 0.2 ही है ना. हाँ, तो 0.2 × 10, तो 2 × 8 = 16. ठीक है, तो 16 N आंसर होगा. अब नेक्स्ट जेई मेन 2019 क्वेश्चन, जो कि NLM से रिलेटेड है. जब मैं NLM बोल रहा हूँ तो फ्रिक्शन सर्कुलर सब उसमें है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए.